नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरो थेरेपिस्ट। सबसे पहले आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नया साल आपके जीवन में नई उमंग, नई रोशनी, नई आशा और नई उम्मीदों को पूरा करने वाला हो। ये नया साल आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाला हो। ये नया साल आपके सपनों को, अपने सपनों को पूरा करने वाला हो। और इसी कड़ी में न्यूरोथेरेपी एक ऐसी भारतीय चिकित्सा पद्धति है जिसका कोर्स कर आप इस नए साल के उपलक्ष्य में अपने और अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। न्यूरोथेरेपी का पूरा एक साल का जो कोर्स है 15 जनवरी से लेकर 15 दिसंबर तक चलने वाला है। एक साल के डिप्लोमा कोर्स के बाद आप न्यूरोथेरेपी का डिप्लोमा प्राप्त करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोथेरेपी अकेडमी रजिस्टर्ड न्यूरोथेरेपिस्ट बनते हैं और देश के किसी भी हिस्से में न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप चाहे कहीं भी रहते हो, इस कोर्स को आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं। आप कहीं रहते हैं, किसी भी हिस्से में रहते हैं, आप अंडमान निकोबर में ही क्यों ना रहते हो, आप कन्याकुमारी ही क्यों ना रहते हो, आप लेह लद्दाख ही क्यों ना रहते हो, केवल इस कोर्स को करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है। एक मोबाइल की, यानी कि एंड्रॉइड फोन की, स्मार्टफोन की, और दूसरा इंटरनेट की। अगर ये दो चीजें आपके पास हैं तो आप भी न्यूरोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, 2024 में बन सकते हैं, और 2025 से आप अपनी आजीविका को कमा सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इन कोर्सेज के दौरान जब हम ये कोर्स आपको कंडक्ट कराते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस देते हैं। अगर आप दिल्ली NCR में आप रहते हैं तो मेरे सेंटर पर आकर इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, डेली क्लासेज अटेंड कर सकते हैं, वीकेंड्स पर कर सकते हैं। और अगर आप देश के दूर दराज में रहते हैं, आप सेंटर नहीं आ सकते हैं, तो ऑनलाइन के माध्यम से मैं लाइव आकर आपके साथ जुड़ता हूं और आपको इस तरीके की वीडियोस के माध्यम से पढ़ाता हूं। आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इस कोर्स के दौरान हम आपको बहुत सारी बीमारियों पर काम करना सिखाते हैं। शरीर के अलग अलग हिस्सों में कौन कौन सी बीमारियां आ सकती हैं, उनकी वजह क्या है, वो कौन से सिस्टम को खराब कर रही हैं, और उनको हम बिना किसी दवा के कैसे ठीक करें, ये सिखाते हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि नाभि की समस्या आज बहुत ज्यादा तंग करती है। नाभि आपके शरीर का मूल आधार है। जब मूल आधार यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर है, बेस है, अगर ये हिल जाता है अपनी जगह से तो आपको अनेकों अनेक बीमारियां आ सकती हैं। आपको बैक पेन हो सकता है, जी हाँ, बैक पेन, सर्वाइकल, नी पेन, स्टमक पेन, हेडेक, माइग्रेन, काफ मसल्स पेन, ये सब नाभि की वजह से हो सकता है। नाभि अगर अपनी जगह से हिल जाए तो आपको लूज मोशन हो सकते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपका पेट एक बार में साफ नहीं होगा, बार बार आपको मोशन जाना पड़ेगा, या नाभि जब अपनी जगह से हिल जाती है तो हर बार आपको मोशन लूज हो सकते हैं। तो बहुत सारी समस्याएं केवल नाभि की वजह से आ सकती है। नाभि को कैसे चेक करेंगे, आइए देखिए। जिस भी पेशेंट को हम नाभि का चेक करेंगे, सबसे पहले उनको खाली पेट होना चाहिए, और खाली पेट का मतलब 3 से 4 घंटे का अंतर होना चाहिए। नाभि यानी कि ये जो पॉइंट है, ये नाभि का पॉइंट है। पेशेंट बिल्कुल सीधे लेटे, बिल्कुल रिलैक्स होकर लेटे, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, और न्यूरोथेरेपिस्ट पूरा ध्यान लगाकर उस नाभि की धड़कन को सुनने का प्रयास करे। तो नाभि को हम चेक करेंगे, सारी उंगलियों को आप मिला लीजिए और नाभि की पोजिशन पर हमने हल्का सा प्रेस करना है। पेशेंट लंबी गहरी श्वास लेगा और धीरे धीरे श्वास को छोड़ेगा। लंबी गहरी श्वास लेंगे और धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। तो यहाँ पर आपने ये चेक करना है कि नाभि के एरिया में दर्द है या नहीं है, है ना। अगर यहाँ पर धक धक की महसूस हो रही है, यानी कि यहाँ पर धक धक आवाज आ रही है, तो नाभि अपनी जगह पर है, नाभि अपनी जगह पर है। और अगर यहाँ पर धक धक नहीं सुनाई दे रही है तो इसका मतलब नाभि अपनी जगह से खिसक चुकी है। मतलब खिसकते समय या तो ऊपर जाएगी, या नीचे जाएगी, या दाएं जाएगी, या बाएं जाएगी। और उस समय पर हमने ये चेक करना है कि नाभि ऊपर की तरफ गई है, या नीचे की तरफ गई है, या दाएं गई है, या बाएं गई है। और उस समय पर हमने उस चीज को ये ध्यान करना है कि ये धड़कन ऊपर सुनाई दे रही है, या नीचे सुनाई दे रही है, या दाएं सुनाई दे रही है, या बाएं सुनाई दे रही है। और हमने, क्योंकि जहां पर ये धड़कन जाएगी वहीं पर नाभि की समस्याएं आनी शुरू हो जाएगी। यानी कि अगर ये ऊपर की तरफ जाएगी तो आपको ऊपर की समस्याएं, वॉमिटिंग, एसिडिटी, गैस, बदहजमी, डकारें शुरू हो जाएंगी। नीचे की तरफ जाएगी तो आपको लूज मोशन हो सकते हैं, लोअर एब्डोमेन में पेन हो सकता है, और अगर फीमेल है तो पीरियड से रिलेटेड समस्या हो सकती है, इवन PCOD हो सकती है, PCOS हो सकती है। अगर नाभि
हमारी इस तरफ जाती है यानी कि दाई तरफ जाती है, सीधे हाथ की तरफ जाती है, तो आपको यहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, यहाँ पर यहाँ की वजह से लूज मोशन होने के चांसेस हैं। और नाभि अगर आपकी बाएं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड में जाएगी तो आपको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस हैं, आपको कोलाइटिस होने के चांसेस हैं, आपको यहाँ से म्यूकस आने के चांसेस हैं यानी कि आओ के मोशन में आओ आने के चांसेस हैं।